हेलो, नमस्कार। नमस्कार। कौन आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़े थोड़े नींद में हैं। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब। हेलो, हेलो। कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था अरे यार, मैंने कहा था थोड़ी देर बात कर लेना प्लीज। थोड़ी देर। भाई साहब, भाई साहब, हेलो हेलो। भाई साहब, कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे कि तूने बना क्या बोलना, जल्दी सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ, प्रदूषण हो गया नजरिए में। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी सोने की नजर, तरफ एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे है। कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, तो 3 हो गए ना। तूने मेरे एक बिल्कुल। सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है हाँ तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं, हाँ जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं, हाँ इंडिया में जाती है तो फोन इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। अरे नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो, अच्छा कहता है बजरंग का। अच्छा मैंने कहा टूथब्रश, कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ मैंने कहा फेस वॉश, कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा। इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। अरे ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। तेरी हाँ जी, शादी हो गई कि शादी नहीं हो गई। वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती ओ हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। ननकी सर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप अरे जैसा मेरे एक से जनता का प्रतिनिधि, भाई साहब पूरा तो क्या कर ले चाहता है भाई वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ, नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग, की जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, भैया आप भी बोलो, जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार, अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा, करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर, जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल मिल रहा है। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी अगर है ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाई है। हाँ, और दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप? अरे घंटा चल गलत कैसे कैसे तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा आपको। ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा और साबुदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती हूँ गाइस, एफ से रॉकिंग ऑसम। बट साबुदाना शेक मिलता का है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो देखो, एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो, शानदार। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बोल रहा हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, हाँ जी, हाँ बोल तो रहा हूँ भाई। त्यागी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ भाई। जी बोल रहे हैं ना? हाँ भाई, लिख के दूँ? मैं कह रहा था, हाँ जोर से बोलो। हेलो भाई, जोर से बोलो। अरे बोल तो रहा हूँ, दो बंदे मेरे को देख के सड़क पे पलट गए, कह रहा जोर से बोलो। भाई साहब जोर से बोलो, चल तेरी। हेलो भैया जोर से बोलो, बोलता रहा।
गलत मत बोलो, जोर से बोलो, बोल रहा था मैं बात करने कर फोन बात आपसे बात ही करनी इसलिए तो बोल रहा था ना मैं तो बोलना इधर से हेलो हेलो बोल रहा हूँ हेलो नहीं जोर से नवरात्रि चल रहे ना हाँ तो जोर से बोलो क्या बोलूँ जय माता दी हट साले तुम तो ऐसी बात बोल के मैं गाली भी नहीं दे सकता तेरे को दिमाग मत खराब से बस बस अबे बार बार फोन करी जा रहा है पता नहीं क्या समझ रखा है बैठा हुआ दूसरों को फोन करी जा रहा है हेलो हाँ जी क्या बोल रहे थे आप गंदा आप कौन हो भाई मैं भाई लग रही हूँ हाँ जो भी हो आप कौन हो अभी आप गलत बोल रहे थे छी बोल मतलब ऐसे क्या गलत बात करते हैं गाली तो आपके सारे बंदे पागल हैं बैठे क्या किसने क्या बोला मैं तो पता नहीं से हेलो हेलो बोली जा रहा हूँ आपको एक सेकंड मैं सुरभि बात कर रही थी आप की बात कर रहे हैं ना हाँ बोल रहा हूँ आपका नंबर 9913259 है ना तो इसमें बताने की क्या इसमें मैं नाचूं मैं क्या करूं एक सेकंड मैं कह रही थी एक वही प्लान के बारे में हाँ तो मैंने नहीं लेना ना मैं क्यों सुनूं आप भाई साहब इतना रूड होते हैं क्या हाँ बोलो एक सेकंड होल्ड पे डालती हूँ अभी मैं डिस्कस करती हूँ प्लान होल्ड पे डाल रहे हो तुम्हें खुद प्लान नहीं पता फोन कर रहे हो तुम नहीं सुनो तो एक सेकंड ना सर हाँ बोलो एक सेकंड होल्ड पे बस एक सेकंड थैंक यू सर होल्ड के लिए थैंक यू सर हाँ बोलो जल्दी बोलो आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल आ रही है मैडम हेलो सर हेलो आ रही है मैडम आ रही है भैया हेलो हेलो जोर से बोलो हेलो जोर से बोलो हेलो अरे हेलो नहीं नवरात्रि चल रही है जय माता दी जोर से बोलो तेरी तो मैं ऐसे कान से मारूंगा ना तुम गलत बोल रहे हैं गलत बोल रहे हो तुम माता को बीच में लेके परेशान कर रहे हो क्या कर रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं तुम चुप रहे आप गलत बोल रहे हैं आप ये क्या तुम दोनों मिले हो तुम्हारी जोर से बोलो हाँ जी बताता हूँ जय माता दी हेलो हेलो हाँ कौन अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है सो रहा हूँ सॉरी मैं डिस्टर्ब किया मैं बउआ बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ हाँ मैं जानता हूँ ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ वही मैं आपसे कहना चाह रहा था जो ये जो शादी करवाते हैं ना लोग उनके आपकी शादी हो गई है नहीं हुई ना मैं वही बता मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ लेकिन ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए कहते हैं लड़की सुशील है अच्छा हैं इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला तो फिर मैं क्या करूं भाई इसमें? नहीं कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए तो फिर और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया जो बेटा पैदा हुआ और बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं तो सुशील रख दिया तो तीनों सुशील अब पूरी पीढ़ियों में सुशील सुशील नहीं सुनो यही तो बात है देखो जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है घर में पत्नी अगर सुशील बोले सुशील इधर आओ चिल्ला के बोले तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना पति बोले सुशील इधर आओ तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे किसका सुन लो मेरी बात सुन लो पत्नी ने पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है हो सकता है पति ने भी किया हो पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, है? ये क्या मेरी बात सुनो आप गलत ना बोले एक आखिरी चीज दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी बताओ किसके नाम करी किस सुशील के बेटे के नाम करी हो बेटे के नाम क्यों उसका नाम सुशील इसलिए हाँ। सुशील तो और दो लोग का भी नाम है उनके नाम कर दी होगी क्यों उनके नाम करेगा तो किसके नाम कर दी फिर इन तीनों का नाम नहीं करी तो अपनी पत्नी के नाम उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है भाई आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना तो उसकी भी पत्नी सुशील थी अरे तेरी दिमाग चढ़ा दिया सुशील तू खराब कर पट्टे बात कर इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी 93.5 बजाते रहो अंकिल नमस्ते हेलो हेलो जी नमस्ते अंकिल नमस्ते कौन जी मैं बउआ बोल रहा हूँ किसको नंबर डायल किया आपने? आपको नंबर लगाया भाई साहब मैं एक चीज कह रहा था बताओ क्या कह रहे थे जिंदगी में कुछ चीजें थोड़ी अलग होती हैं तो हर बात एक तरीके की नहीं होती कुछ अलग बात होती है जैसे मैं गार्लिक नहीं खाता हूँ हाँ तो मैं क्या करूँ उसमें लेकिन गार्लिक ब्रेड खाता हूँ क्योंकि वो अलग बात है
भाई तू गार्लिक नहीं खाता, गार्लिक ब्रेड खाता है तो गार्लिक ब्रेड में तो गार्लिक ही होता है। एक सेकंड, चिकन नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन उसकी ग्रेवी चल जाती है क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू बड़ा आदमी है क्या, दोनों चीजें। एक सेकंड, गलत नहीं बोलेंगे आप। तू देख, तू गलत नहीं है लेकिन ये तू गलती कर रहा है, ये अलग बात है। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं पुराने मोजे नहीं पहनता। क्यों, मैं क्या करूँ फिर? सुनो, लेकिन मोजा उल्टा करके पहन लेता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। मैं रोज टीवी नहीं देखता, पर कभी कभी सूर्यवंशम जब भी आती देख लेता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, अब ये बता तू नई बात क्या है इसमें? मैं तो मीठा नहीं खाता, मेरे को डायबिटीज है, लेकिन चॉकलेट चल जाती है क्योंकि वो अलग बात है। वो भी अलग बात है। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं तो पता है, सुन, मैं ना ऐसे को सुनता नहीं हूँ, तेरे को सुन रहा हूँ मैं। हाँ। क्योंकि वो अलग बात है, अलग बात। वैसे मैं नवरात्रों में फास्ट रखता हूँ, लेकिन कुट्टू के आटे की पूड़ी, दम आलू, थोड़ा सा गुलगुले, ठीक है, तिल के लड्डू, सलाद, साबुदाने की टिक्की, ये सब खा लेता हूँ क्योंकि ये अलग बात है। अलग बात, बिल्कुल ही तू। हेलो, गलत मत बोलिए आप। भाई मैं वैसे गाली देता नहीं हूँ सुबह सुबह किसी को, लेकिन मिल जाते हैं तो उनको गाली देनी पड़ती है, वो अलग बात है। मैं डेली जिम जाता हूँ। हाँ। लेकिन हफ्ते में कभी कभी 6-7 दिन मिस भी कर देता हूँ क्योंकि वो भी अलग बात है। वैसे तो कभी कुछ मैं तोड़ता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन तेरे जैसे मिल जाएगा मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि वो भी अलग बात है। वो चीज दर्द कर सकती है लेकिन टूट हाँ। नहीं सकती क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, टूट नहीं सकती। अभी आइयो मिलियो बेटा, तोड़ूंगा, अलग बात है। वैसे तो अक्सर लोग मेरा फोन कट करते हैं, लेकिन आज मैं आपका करूंगा क्योंकि ये अलग बात है। 93.5 रेड एफएम, काफी अलग अलग बातें होगी, आप बजाते रहेंगे। नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज़ शायद, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बउआ? हाँ, एक सेकंड, मेरे ऊपर ना बोलो ना, मैं तो बस से बउआ हूँ, लेकिन धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट कैसे कहुआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहे हो क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं, पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कहुआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कहुआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कहुआ कैसे आवाज निकालता है, कहाँ है, कहाँ है? इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कहुए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है, क्योंकि मम्मी मम्मी पूछती कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है, लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह 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 वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है, वो तिल बना रहा था, कम्बक स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। मेहमान भगवान के समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है काए काए, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है, भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है, वो भी आके बच्चों से पूछता है, बेटा कहाँ है मेरी पूरी, कहाँ है मेरी खीर, कहाँ है केले के पत्ते, में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड, आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है, झूठ बोले कौआ काटे। मैं कह रहा हूँ पता चलो कहाँ काटता है, झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है, पीछे में। ओ पीछे नहीं, पीठ पे। अबे थोड़ा नीचे, पीठ से नीचे। अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है, थोड़ा ऊपर जा, ऊपर मतलब कमर पे काटता है। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको बताया कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 एफएम पे मैं बउआ, एंड वेरी इम्पोर्टेंट इज कौआ, बजाते रहोंगी। नमस्ते। क्या हेलो, वेरी नाइस कॉलर ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और नौ दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट भाई, आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई, पूरी। बताओ। मैं कह रहा हूँ आवाज तो आ रही है।
हाँ। लेकिन दो दिन पहले ना मेरे को एक नंबर आ रही थी, एक नंबर आ रही थी। हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत्र है? क्योंकि करूँगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा आदमी है। सुनिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, दो दिन तूने चलाई कंधे किस और का था? छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन, दो दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे। नहीं वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मेरे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? एक नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शुशु करके कराते। एग्जैक्टली बात यही है, वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। दो दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर दो मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? नहीं। ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे भगवान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है प्रेशर बन रहा है। रहा है मेरी हो जाएगी तेरी न्यू। थोड़ा सा और प्लीज, आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना जल्दी करो, जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको तू जल्दी कर। एक सुनो मैं सॉरी बताऊ, मैं आपको कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी बोल रख। हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना जी, मैं उसका वही नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पंजी गए थे सत्संग के लिए? तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ, हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे, उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा, 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी, तो मैं आगे तो मेरी मर्जी। सुनना 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुँचा है ना? दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रखी यार तू, हो गया भाई गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो हेलो, कौन की बात कर रहे? हाँ जी त्यागी बोल रहा हूँ, कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना कैटिंग दिस? 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं हमने कोशिश, फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे क्या था सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेकर। मैं 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो नमस्ते जी अंकिल। कौन? हेलो मैं तो बउआ बोल रही हूँ, लेकिन आपसे ना एक मिनट मेरे को। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है ना। एक ना थोड़ा प्रॉब्लम था, टेंशन मतलब। क्या बात हो गई?
नहीं यार मैं नहीं सेट कर सकता, छोड़ो आप क्या बताओ मैंने मत कर फोन क्यों कर रहा सर तो प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा आप प्रॉब्लम तेरे को बता रहा हूँ प्रॉब्लम बताता हूँ मैं बता दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है बताइए पहले आप भाई दूसरे को खुशी दो खुद खुश रहो खुश रहो खुशी आदमी कैसे दे सकता है एक दूसरे को सब कोई टेंशन ना हो एकदम कोई प्रेशर ना हो क्या ना हो प्रेशर बस इसीलिए मेरे को मदद चाहिए थी आपकी मतलब क्या ना बचपन से ही हाँ। जब भी आती थी क्या आती थी प्रेशर एक नंबर हाँ। तो मेरे मम्मी पापा ना पीछे से की आवाज निकालते थे हाँ, तो वो तो मुझे क्यों बता रहा फिर तो यही तो प्रेशर है अभी प्रेशर में हूँ मम्मी पापा है नहीं बगल में अगर आप कर दो तो मैं थोड़ा शायद एक सेकंड आपने बोला प्रेशर नहीं होना चाहिए आप ही एक सेकंड खाली कर दो मेरे हो जाएगा कसम से मैं प्रेशर रिलीज हो जाएगा बड़े तकलीफ में उतरे दबाव में हूँ एक सेकंड बस दो दो तीन बार कर दोगे तो हो जाएगा एक बार कर दो एक बार कसम से एक बार और थोड़ा लंबा वाला अरे गलत थोड़ा लंबा वाला और जोर से बहुत बढ़िया वाओ जोर से भाई ना मुझे गंदा बोल रहे आप अरे एक सेकंड ये आवाज क्या आई ये क्या गिर गया ओ क्या? अच्छा वो पथरी थी वो निकल गई बाहर हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगा था उसमें पथराव हो गया दो पथरी अंदर रह गई थी वही निकल गई थैंक यू वेरी मच अंकिल हेलो सॉरी मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी कौन बोल रहा है चलो मेरे से आते तो पीछे कोई भंग कर रहा है चिल्ला कौन है पीछे नमस्कार कौन बोल रहा है भाई मैं बहुआ बोल रहा था बोलो दो मिनट चाहिए किसकी किसकी नहीं क्यों चाहिए पूछ दे किसकी अच्छा क्यों मैं कह रहा था ऋषि केस में बहती गंगा आ, चलनी के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो अच्छा दिवाली के टाइम हमारा घर एक से सॉरी हेलो अनुपम खेड का सर ओ गलत आदमी है कौन अनुपम खेर नहीं आप ऋषि केस में बहती गंगा आप पूरे सुन नहीं रहे दिवाली पे हमारा घर ओ दिवाली पे पटाखे भी होते हैं गोला बम डाल दूंगा में ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप गंदा तू पता नहीं बात बोल रहा है आदि पता नहीं डाल रहा है एक सेकंड देखो मैं एकदम साफ बात करता हूँ आप गलत मत बोलिए अच्छा कैसे साफ बात कर रहा है ये सारी साफ बातें तो हैं अनुपम खेर जी का सर ऋषि केस की गंगा एकदम साफ बात अच्छा ये साफ है सही है अच्छा ना मजा आया ना चल रहता है बिल्कुल बहुत मजा आया दिवाली के बाद अपना घर मतलब दिवाली की सफाई होती है तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर वो भी साफ होता है हेमा जी जो आड़ो बेचती है उससे निकला हुआ पानी और तेरी क्या है मतलब वो कैसे साफ कर दिया कर कुत्ते के बैठने की जगह वो कैसे वो भी साफ करके बैठता है तू भी कर लिया कर आलिया भट्ट का दिमाग क्या दिमाग उसका गलत बोल रहे हैं आप मतलब क्या बोल रहे हैं वाले से फोन तक देख साफ बात कर लूंगा गलत आदमी हेलो साफ साफ बात ठीक है हेलो नमस्ते जी नमस्ते सीता जी बात कर रही हैं हाँ जी मुबारक हो जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ किस बात के लिए जी घर में बिटिया हुई है ना जी हाँ जी मेरे साथ मेरे भैया भी हैं हाँ जी एक सेकंड वो भी बधाई भैया ठीक है भाई साहब थैंक यू आंटी बहुत बहुत बधाई हो आपको घर बेटी हुई है ठीक है हेलो नमस्ते जी जी फोन कट गया था सॉरी बहुआ बोल रहा हूँ हाँ जी नमस्ते जी वो बधाई दे रहे थे ना बिटिया हुई है हाँ जी तो अभी दी तो है बधाई शुक्रिया मेरे और एक भैया हैं अभिषेक जी हैं भैया जी एक मिनट वो भी बधाई दे रहे थे बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन बिटिया आई है घर पे हाँ जी थैंक यू जी परेशान क्यों लग रही है आपने दे दी ना बधाई ठीक है हेलो फिर से फोन कट रहा है शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है हाँ जी तो
थैंक यू बोल तो दिया। नहीं थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार मम्मी, आप फोन। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहा? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना? नहीं बार बार फोन कट ही जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया बार बार। नहीं तो ये एक मिनट, आपकी दो बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है आप? नहीं, नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ उस बात से परेशान हूँ। तो फिर क्या क्या क्या, क्या, क्या कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप आड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजके खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, अब हो गई कंजक पूरी? अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो, अरे कहा